रोहित शेट्टी की फिल्म सत्ते पे सत्ता का नाम बदलकर हम पांच क्यों रखा जा रहा है? क्या इस फिल्म में सलमान खान नजर आ सकते हैं? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। हाल ही में खबरें थी कि फराह खान और रोहित शेट्टी सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के लिए दोनों की जानदार जोड़ी ने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन फिल्म के राइट्स पर मामला अटक गया। दरअसल फराह और रोहित फिल्म के राइट्स लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको बता दें, ये फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता का रीमेक होने वाली थी। सत्ते पे सत्ता सात भाइयों की कहानी थी जिसने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था, और अब जब इस फिल्म के राइट्स नहीं मिले तो मेकर्स का दिमाग घूमा और उन्होंने फिल्म के टाइटल में ट्विस्ट ला दिया। अब इसे पांच भाइयों की कहानी पर बनाया जाएगा। डेविड धवन ने फिल्म का टाइटल सजेस्ट किया हम पांच, जो कि फिल्म के मेकर्स को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही फिल्म में कुछ नोवेल एलिमेंट ऐड किए गए हैं जिससे फिल्म कॉपीराइट से बच सके। दोस्तों, खबरें ये भी हैं कि इस फिल्म में बड़े भाई के रोल को चुलबुल पांडे को ऑफर किया गया है। अब देखना ये होगा कि भाईजान इस रोल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो रोहित और फराह की तो निकल पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भाईजान का हाथ पड़ जाता है वहाँ सब कुशल मंगल हो ही जाता है। दोस्तों, आज भाईजान का जन्मदिन भी है। सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान खान ने कल अपने घर पर पार्टी भी रखी थी, जहां बॉलीवुड सेलेब्स ने जमकर मस्ती की। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े ढेर सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो में आज सलमान खान को बहन अर्पिता शर्मा के बेटे अहिल के साथ केक कट करते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें, सलमान खान का मूल नाम अब्दुल राशिद सलीम है। अपने जन्मदिन के बारे में सलमान खान बताते हैं, बर्थडे मेरे लिए आम दिन की तरह होता है। हाँ, इस दिन मुझे केक खाने को मिल जाता है, वो भी मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ। इस दिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ। वैसे मेरे लिए इस प्लैनेट पर हर दिन यादगार होता है। वेल, भाईजान को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। आप भी भाईजान को विश करना ना भूले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।